रायता रहता है, ये जूस है जूस। सो गाइस हमारा पार्सल आ चुका है ये। सो हे गाइस, एक और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी का वक्त है गाइस दोपहर का एक, और मैं 1 बजे से आज स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। तो गाइस आज सुबह से प्लान था कि हम पिकनिक जाएंगे, मेरे साथ और 3 लड़के, मतलब कि प्लानिंग था, और प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुका है क्योंकि बारिश का चांस बहुत था, 80-90% था, इसलिए हम कैंसिल कर दिया पिकनिक जाना। तो वो 2 लड़के तो अभी नहीं आ रहे हैं, एक मेरा दोस्त ये और मैं, हम जाएंगे एक जंगल को, यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर, 15 से 20 होगा, 20 किलोमीटर होगा, और हम बिरयानी लेके जाएंगे। चलो थोड़ा सा पार्टी करते हैं, पिकनिक टाइप करते हैं, और जाते हैं, देखते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, ये से सोच के हम निकले हैं। तो रॉयल पैलेस से ही हम बिरयानी लेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे और घूम के आएंगे, आपको भी दिखाऊंगा। तो ठीक है गाइस, आप वीडियो में बने रहें। गाइज फाइनली हम रॉयल पैलेस आ चुके हैं और बिरयानी का ऑर्डर देते हैं, 2 बिरयानी दोनों के लिए, और आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you telling me go get lost. So guys, हम ऑर्डर देके बाहर थोड़ा वेट कर रहे हैं और आपसे थोड़ा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि 2-4 दिन हो गया है, मतलब कि जो सब्सक्राइबर मेरा वीडियोज़ देखते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ, 1-2 लोगों को कल भी मिल चुका हूँ, हमारे आसपास की भी है और थोड़ा सा दूर का भी है। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है यार, जो कि मोटिवेशन देते हैं और एप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो अभी इतना फैन बेस नहीं है या सब्सक्राइब बेस नहीं है, जो कि मेरा सब्सक्राइब को देख के लोग आके जो क्लिक करके मेरा वीडियो देखें। तो एक रियल है गाइज कि जिसका सब्सक्राइब 1 लाख या 2 लाख या 50,000 जितना होगा ना, कंटेंट में दम नहीं होगा तब भी लोग देखेंगे, क्योंकि उसका सब्सक्राइब ज़्यादा है। इस वजह से मेरा सब्सक्राइब बहुत कम है, इसलिए इसका तो सब्सक्राइब कम है, ये क्या वीडियो बनाएगा, क्या अच्छा कंटेंट देगा, ये सोच मतलब का लोगों का सोच ऐसा रहता है, ये रियलिस्टिक है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है यार आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सच में, और बहुत खुशी होती है कई, मतलब कि ऐसा प्यार देते रहिए, तो आगे आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं ला के आपको पेश करूँगा। सो गाइज हमारा पार्सल आ चुका है ये, और हम रॉयल पैलेस का क्यों बिरयानी ले रहे हैं, इसका एक रीज़न है, क्योंकि इसका यहाँ पर हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेनेंस होता है, क्लीन फूड मिलता है, इस वजह से यहाँ से हम ले रहे हैं, और बहुत बार मैं आ चुका हूँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। और ये धर्मगढ़ से 100 मीटर होगा, जो कि जूनागढ़ रोड में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, तो यहाँ से चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पंप पर है और यहाँ थोड़ा पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी पर, तो हम अभी जा रहे हैं जंगल को, तो यहाँ से निकलते हैं गाइस। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और आपको मैं दिखा देता हूं, फंडिकुलर ब्रिज बोलते हैं, जो कि हमारे आसपास की फेमस लोकेशन है, यहां पर पिकनिक स्पॉट या फोटोग्राफी बहुत अच्छे से होता है, फोटो होने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है गाइज, यहां पर आप आ सकते हो। बहुत धूप है यार अभी,
बादल था, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप है। और गाइज यहाँ पर मैं एक रील शूट किया था यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है, देख लो बिना साउंड में। अगर साउंड के साथ मैं प्ले कर दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा इस चैनल पर। ओके, जगह पे हम बिरयानी खाएंगे, उसका थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, और आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये देख लो, किनाल जा रहा है भाई ऊपर, और नीचे ब्रिज है, और यहाँ पर होगा हमारा बिरयानी भोजन। कोई नहीं है गाइस, यहाँ पर पूरा खाली है, लगभग हर दिन आते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने या बर्थडे फड्डे और फोटो शूट होने के लिए। बहुत अच्छा प्लेस, अच्छा लोकेशन है यहाँ पर। और ये देख लो, दो पानी बॉटल लाए हैं। और ये क्या है, एक, और ये केक भाई, दो केक लाए हैं, और एक केक। और ये दूसरा वाला, और ये बिरयानी है भाई, पूरा गर्मा गर्म है यार, पूरा फ्रेश और ताज़ा है ये। सो गाइस, घर से ही ये फाइबर प्लेट लेके आए हैं। होटल में जो पेपर प्लेट दे, लेकिन इसका देख लो, ये इसमें से ऐसे बिरयानी खाएंगे तो कैसा रहेगा, बहुत हल्का प्लेट है, इस वजह से घर से ही हम प्लेट लेके आए हैं भाई देख लो, ये फाइबर प्लेट, दो प्लेट लाए हैं। सो गाइज, भूख भी थोड़ा लग रहा है यार, अब खाना खाने की बारी। और ये देखो भाई, ये बिरयानी है, ये रायता, रायता है, ये जूस ये जूस है। देख लो, अब हम खाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। सो गाइज, मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं, बादल छा गया है यार आसमान में, और अभी बारिश का 90% चांस है बारिश होने का, इस वजह से हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ऐसे भी बहुत भूख लग रहा है अभी, ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं यार बिरयानी खाना। ये देख लो भाई, ये देखो। सो गाइज, बारिश आ चुका है यार, देखो बूंदाबांदी हो रहा है, इस वजह से हम नीचे जा रहे हैं, नहीं तो बारिश में भीग जाए, हम दोनों भीग भी जाएंगे और ये खाना पूरा बेकार हो जाएगा। ओके, तो चलिए, आज का पार्टी शायद पिकनिक पूरा गलत भी हो जाएगा, आज का कुछ खास नहीं होगा, तो नीचे चलते हैं गाइज। सो गाइज, पूरा बारिश हो गया है यार और हम नीचे आ चुके हैं, और ये देखो, ये हमारा आज का सहारा है अभी का, और पूरा अंधेरा हो गया है गाइज। आपको शायद ये पिक्चर क्वालिटी, मतलब कि मैं दिखाई दे रहा हूँ नहीं, पता नहीं थोड़ा थोड़ा, और मतलब कि आज का पार्टी तो पूरी तरह से बर्बाद तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, देख लो, दिखते हुए हम खा रहे हैं अभी। सो गाइज, हम ऊपर खा रहे थे और बारिश हो गया, इस वजह से हम नीचे आ गए किनाल के, और थोड़ा भीग भी चुके हैं यार साइड साइड में आज का पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, इतना मज़ा नहीं आया गाइज, मतलब कि इतना धूप हो रहा था, पूरा सडनली बारिश हो गया। मेरा कंप्लीट हो चुका है खाना, और पप्पू अभी खा रहा है, थोड़ा बाकी है उसका, और बिरयानी बहुत टेस्ट है गाइस, सच में। आप अगर खाना चाहते हो आसपास, वो धर्मगढ़ की, तो रॉयल प्लेस विजिट कर सकते हो, थोड़ा मतलब खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइस, सच में। सो गाइस, हमारा खाना हो चुका है और हम जा रहे हैं प्लेट धोने के लिए, और नदी को आपको भी मैं दिखाऊंगा, मतलब कि यहाँ से 50 मीटर है, बहुत पास में है ये, ठीक है, तो चलो भाई नदी को थोड़ा दिखाता हूँ। और बारिश होकर अभी थम गया है बारिश, और जो पेड़ का उसमें से बारिश रह चुका है, वो गिर रहा है थोड़ा, तो अभी हम जा रहे हैं नदी को गाइस। अच्छा हुआ कि आज पिकनिक हमारा कैंसिल हो गया प्लान, नहीं तो पूरा चौपट हो जाता। लकड़ी लाते हैं, उसके बाद बर्तन ला के जो खाना बनाना, बहुत मुश्किल होता है यार। चलो थोड़ा प्लेट धोते हैं भाई। सो गाइज, हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, एक भाई ने मछली पकड़ रहे हैं हुक से,
जैसा कि देख सकते हो ये, और ये देख सकते हो पप्पू का प्लेट धोना स्टार्ट हो चुका है। सो भाइयों, अब मेरी बारी है प्लेट धोना। पूरी तरह से गाइस शूज खराब हो चुका है, देखो ये पूरा रेत 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 और मिट्टी लग चुका है ये। सो गाइस ऊपर आ गए हम, जहाँ खाना खा रहे थे आपको मैं दिखा दूं, ये देख सकते हो यहाँ पर बारिश के वजह से देखो ये पानी। सो गाइस हम थोड़ा आगे घूमने जा रहे हैं ये किनाल के ऊपर। सो गाइस हम ऊपर है और हम जहाँ प्लेट धोने के लिए गए थे नदी के किनारे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ केनाल के ऊपर से नदी का नीचे का व्यू देख लो भाई। और आपको दिखा दूँ वो ब्रिज है, थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको देखने के लिए, ये देख सकते हो भाई। देखो जूम आउट होने से मतलब कि दिखाई भी नहीं दे रहा है ब्रिज। और आपको दिखा दूँ जहाँ पर हम प्लेट धोने के लिए गए थे नदी के किनारे, एक आदमी मछली पकड़ रहा है वहाँ पर हम गए थे। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, देखो वहाँ पर गए थे हम। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं ये देख सकते हो वहाँ पर गए थे गाइस। मैं अभी जूम आउट कर रहा हूँ, मैं देखो कितना छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब कि इतना छोटा कि पूछिए मत। सो भाई और बहनों, हम यहाँ से निकल रहे हैं अब, तो चलिए चलते हैं सीधा घर। सो गाइज आज का घूमना, आज का बिरयानी खाना हो गया, जो भी अच्छा था आज का दिन। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो मेरा वीडियो। और मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या बात करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहीं से आप मुझे फॉलो करके बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।